हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकांस व्लॉग। यार मेरे घर पे शादी नहीं हो रही किसी की, फटाफट शादी हो, मस्त तबियत ढिंडोरा पीटे, डांस करूँ, मस्त खाऊं पीऊं, बट नहीं हो रही है यार शादी। कोई बात नहीं, तो आज मैं सोची हूँ कि कोई अननोन फंक्शन में जाने का, कोई भी अननोन फंक्शन। जैसे अननोन वेडिंग में गई थी मैं, नो इन्विटेशन वेडिंग में गई थी, तो वहाँ पर आप लोगों को लगा था कि मेरा कोई नोन वेडिंग है। मैं गई हूँ, मेरा कोई रिलेटिव का वेडिंग है, फिर मैंने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ गई थी और मुझे सब पता था। तो बहुत लोगों ने मुझ पर बोला था ऐसा मुझे कि आप झूठ बोल रहे हो ये वो। सो आज मैं प्रूफ के साथ बनाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अननोन वेडिंग में गई थी, वैसे ही आज अननोन फंक्शन में जाऊंगी। तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने किया, क्या नहीं किया, सब कुछ ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, सो मज़ा आएगा। वेदर भी बहुत ज़्यादा सुहाना है, जाने में मज़ा आएगा, खाने में भी मज़ा आएगा। यूजुअल मेरी बहन फ़ोन पर लगी, देखो चद्दर ओढ़ के, वो भी मैं अभी सो के उठी और ये एकदम लग गई फ़ोन पर। टॉफे टॉफे, तेरा ही दिन है भाई। जी सो रहा है आज, इसकी तबीयत खराब लग रही है, सो ही रहा है, तो इसका डॉक्टर हम लोगों को चेंज करना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, उसको बहुत दिन हो गया, वैक्सीनेशन बाकी है तो उसको दिखाना है। बाकी मम्मी तो आप जानते हो सोने में उस्ताद है, मतलब सो फटाफट ब्रश कर लेते हैं। गाइस हम लोग जो गुची को डॉक्टर को दिखाते थे ना, वो सॉल्ट लेक बहुत दूर पड़ जाता था मेरे घर से, तो कोई ऐसा डॉक्टर देखना होगा जो आसपास हो तो दिक्कत ना हो क्या। बहुत दूर पड़ता है और कैब वाले लोग कहते हैं हम नहीं लेके जाएंगे, तो क्या करूँ यार, मेरी गाड़ी भी नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी से उसको लेके जाऊँ। हाँ खाने में बनाया पुलाव कढ़ी। मम्मी गट्टा का पुलाव पता नहीं क्यों नहीं बनाती, आलू डाल डाल के बनाती रहती है। कोई नहीं, खाते बैठ गया। हाँ जम करा जम करा जम जम। वेरी गुड। चाटने के लिए कुछ कुछ भी करेगा, पट पट चाट जा रहा है। दोपहर का समय, इतनी तेज नींद आ गई थी ना, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था सब कुछ, बहुत मजा आया सो के। तो अब शाम हो गई है, मैंने अभी तक ना यार पार्टी में जाने के लिए फोन ही नहीं किया है। चलो कोई बैंक्वेट में कॉल लगाती हूँ और पूछती हूँ कि आज का कुछ बुकिंग है या फिर मेरे को बुक करनी है, ऐसा करके कुछ नाटक करती हूं। इस बाहर का वेदर इतना सुहाना हो गया, मन करा बाहर जाऊं थोड़ा घूमूं। चाय वेदर पे ना चाय पीना बहुत अच्छा लगता है और घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। फोन तो एक बार काम है, बी का बैंक्वेट्स एंड और भी बैंक्वेट में फोन करके पूछना है कि वो खाली है क्या, आज कुछ है क्या फंक्शन, क्योंकि आज कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है कोई फंक्शन में। दो अपना फोन, दो देना। सो गाइज अभी मैं एक बैंक्वेट में कॉल कर रही हूँ, उनसे घुमा फिरा के पूछूंगी ठीक है। रुको, अरे यार ये ब्लूटूथ से कनेक्ट क्यों हो गया, रिंगिंग हो रहा है। हेलो हेलो, सो आपका बैंक्वेट 4 तारीख को खाली है क्या? कब के लिए? 4 तारीख के लिए। चार क्या? दिसंबर? नहीं नहीं, 4 दिसंबर नहीं, 4 जुलाई। 4 जुलाई हाँ हो जाएगा ना। मुझे बर्थडे पार्टी अरेंज करानी थी। क्या फंक्शन है मैम? बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी। बर्थडे? हाँ बर्थडे पार्टी हो जाएगा। हो जाएगा ना। और आज भी आपके कोई फंक्शन है क्या? जी आज आज खाली है आपके? आज फंक्शन, आज अपना 2 फंक्शन है, एक मैरिज है। हाँ हाँ, एक मैरिज है और एक तिलक। ओके 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 ठीक है। तो आपको 4 तारीख का मैं आपसे आके बात करती हूँ, मतलब प्राइस वगैरह आप सब बताना। जी ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हम जाने वाले हैं अननोन इनविटेशन में, अभी फोन करके पूछ लिए, ये लोग बता दिए कि आज फंक्शन है, जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे। आज तो देवेन भी नहीं, वरना उसको ले जाते। पिछले बार जब शादी में गए थे देवेन को ले गए थे, इस बार ट्रॉफी जाएगी नहीं, अकेले जाना पड़ेगा। मारेगा पकड़ के देखने, कोई मारेगा नहीं, एकदम रेडी होके दुल्हन बन के जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं जिम नहीं जाएंगे, जिम कैसे होगा बोलो, ऊंची चप्पल खा रहा मम्मी। आ गई हूँ गर्मा गर्म चाय पीने के, चाय पियेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे मजा करने।
अननोन में तो जाना था, लेकिन क्या होता है ना कि मैं अननोन वेडिंग या इनविटेशन में जाती हूँ फिर भी लोग मुझे पहचान जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यार बुक्के लेकर जाऊँ, अब जा ही रही हूँ तो बुक्के भी लेके जाऊँ। वो लोग नहीं पहचानते तो क्या हुआ उनको ऐसा, अगर वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो जिनका भी मैरिज या रिंग सेरेमनी हुआ था तो देख लेना मैंने आपके लिए बुक्के भी लिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सो गाइज मैंने बुक्के भी ले लिया है, कोई नहीं हम दे देंगे, लड़का पूछेगा तो लड़की की तरफ से, लड़की पूछेगी तो लड़के की तरफ से, ऐसा बोल दिया जाएगा। तो चलो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, तो फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो मैं रेड कलर का सूट पहने वाली बिकॉज वो मेरा फेवरेट बन चुका है। तो चलो ढूंढते हैं कहाँ रखा है। मम्मी गुच्ची को खाना खिलाती है हाथ से बड़े प्यार से। मम्मी आपका गुच्ची कौन है? राजा बेटा है ना, राजा बेटा, राजा बेटा टॉफी का, टॉफी तेरा राजा बेटा है ना। मम्मी क्या बोल रही, राजा बेटा बोल रही, बताओ उसको। दोनों का है, मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है यार। ये कैसा लगा? अच्छा, सुंदर है ना, तो ये दूंगी। कैसा लगा आप लोग भी बताना। पता नहीं लाइट क्यों नहीं चल रही है, मुंह धोना था मेरे को, कोई नहीं हम ऐसे धो लेंगे अंधेरे में। भर भर के मैं आज करूंगी मेकअप, देखो फाउंडेशन भर भर के लगा लिया, और बगल से बारात भी जा रहा है, सोचा है वही बारात ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड, मेकअप तो देखो मैंने भर भर के कर लिया है, तो पहले मेकअप कर लिया मैंने, वरना गुची मेरा जो गाउन है उसको इधर से उधर कर मैंने निकाल लिया है। ये रेड कलर की सूट पहन रही हूँ बहुत प्यारी सी, साथ में यार ये डार्क चॉकलेट आज मेरे को मिला, परसों ही लेके आई थी और अपने इस बैग में रख दिया था मेकअप के बैग में। डिफरेंट झुमका पहनूँ या फिर यही मैच करता है, देखो हमेशा मुझे लगता है यही इस पे मैच करता है, तो यही पहन लेती हूँ ना, छोड़ो यही पहन लेती हूँ, इतना कौन ढूंढेगा। मैं हो गई पूरा बन ठन के रेडी, लग रहा है क्या यार मैं अननोन में जा रही हूँ, नहीं ना। सो थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं। सो गाइस बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ये वाला जो अनारकली ड्रेस है मैंने कहाँ से लिया, बट मुझे खुद याद नहीं है, बिकॉज एक मैं ना ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक पेज दिखा, मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने ऑर्डर कर दिया, फिर मैं भूल गई कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था। वैसे ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है यार, मानना पड़ेगा। मैं फटाफट कैब में बैठ गया यार, कैब आने में भी टाइम लगा दिया, एक्चुअली कैब आ चुका था मैं ही लेट कर दिया यार। देखो अब फटाफट जाएंगे हम, मस्ती मज़ा करेंगे। थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं, बट यार एक्साइटेड भी हूँ जाने के लिए, तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो व्लॉगिंग तो चालू रहेगी, आप लोग देखोगे सब कुछ लाइव, और मतलब ऐसा सेकंड टाइम कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम तो नो इनविटेशन वेडिंग में गई थी, इस बार देखो क्या टीका है या कुछ। थी मस्त वाली डांस एंड ये लड़की काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, तो मैं सोची शादी छोड़ो हम रिंग सेरेमनी में चलते हैं, तो मैं रिंग सेरेमनी में आ गई, बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मैंने सोचा स्टार्टर ट्राई किया जाए, तो मुझे ग्रीन मोजिटो दिखा, तो मैंने यही ट्राई कर लिया। एंड यहाँ मैं मोजिटो पी के ना व्लॉगिंग कर रही थी एंड अगल बगल वाले मुझे देख रहे थे, उसके बाद स्टार्ट हुआ लैला का डांस। ओह माय गॉड क्या ठुमके, लैला में लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। अंकल भी ठुमके लगा लिए, ठुमक 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 ठुमक, देख सकते हो आप यार। मैंने सोचा बहुत हो गया डांस देखना, अब कॉन्सेंट्रेट खाने पे किया जाए, और खाने का नाम आता है तो हम लड़कियों के मन में गोलगप्पा आ जाता है, और गोलगप्पा थोड़ा सा ही बचा था, मैंने बोला यार फटाफट गोलगप्पे ख़त्म करें। तो यहाँ पे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर मिल गई, आप लोग भी हाय हेलो कर लो, तो मैंने उसको बोला बाद में वीडियो देखोगी तो तुम शॉक्ड हो जाओगी। लगा मेरा मजाक। तो थोड़ा चाय पीने का सोचा, अदरक वाली एकदम टेस्टी सी चाय, स्मेल एकदम टेस्ट आ रही थी। एंड फिर मैंने बोला यार स्टार्टर तो ख़त्म हो गया था, कोई नहीं हम खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो मैंने वेजीज नहीं लिया क्योंकि डाइटिंग में तो मैं इंटरेस्ट रखती नहीं हूँ। तो गर्मा गर्म यार टमाटर वाली कचौड़ी एंड ये पालक कॉर्न जो मेरी मम्मी भी बनाती है वो लिया मैंने, पनीर का एकदम लैब्राडोर खुशबू आ रही थी आलू दम पनीर की, मैंने बोला यार आप लोग आलू दम भी दो, पनीर भी दो, सब कुछ दे दो, क्योंकि खाना आई तो हूँ खा लेती हूँ फटाफट। मैंने देखा यार खाना कहीं ख़त्म ना हो जाए, स्टार्टर तो मेरे हाथ से निकल गया। स्टार्टर में पुचका एंड नूडल्स था, नूडल्स मैं खा नहीं पाई बट पुचका थोड़ा पचा था, थैंक गॉड मैंने खा लिया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिरयानी थी, वेज बिरयानी, और मैंने बिरयानी ट्राई नहीं किया तो यहाँ मैंने स्टाइल साइड में रखा और फिर मस्त खा रही थी। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर को बोल दिया कि मेरी वीडियो बना दो, तो काफ़ी अच्छे होते, बहुत लोगों से मैं मिली। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। साइड में ना डेजर्ट का स्मेल आ रहा था, मैं पानी पी लेते चलो अब डेजर्ट ट्राई करेंगे। ये मेरा फुल लुक था और डेजर्ट में एकदम रस मलाई थी, एकदम ठंडी ठंडी एकदम मिष्टी वाली एकदम रस मलाई, साथ में एकदम गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी। ओ माई गॉड, तो जलेबी देख के किसके मुँह में पानी ना, एकदम रसीली केसरी जलेबी, तो मैंने ना रस मलाई के साथ केसरी जलेबी भी ले लिया एंड उसके बाद मैं खा रही
हूँ डेजर्ट, एंड डेजर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी एंड काफ़ी मज़ा आया। फाइनली मैं आ गई हूँ घर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पार्टी इन्जॉय किया मैंने, वैसे कोई पहचान नहीं पाया, बट हाँ मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है जिन लोगों ने मुझे पहचान लिया आंटी से मिलकर, एंड बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। उनमें से एक जन को आपको मैंने दिखाया, बाकी लोगों को मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट थैंक यू सो मच, दिल से अच्छा लगता है जब आप लोग आके मुझसे मिलते हो। सो लव यू गाइज, ऐसी सपोर्ट करते रहना आगे भी। बाय बाय, मैं चेंज कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, मुँह धो लूँगी यार, मेकअप तो भर भर के किया। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग कमेंट क्या करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी वो भी वीडियो में। सो एक जन ने लिखा है ग्रॉसरीज वाली वीडियो बनाओ, तो ग्रॉसरी का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैं ग्रॉसरी का व्लॉग बनाऊँ, तो आज सोचा है मैंने शॉपिंग करने का, तो नेक्स्ट व्लॉग जो है ग्रॉसरी का ही रखते हैं। सो अभी जस्ट तुम्हारे कल का व्लॉग देख के हटी, मैं आज का भी अपलोड कर दिया तुमने, काजल ने बोला है। सो मैं ना यार टाइम से थोड़ा डिले कर देती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि अब और ज़्यादा मेहनत करूँ और टाइम पे व्लॉग अपलोड किया करूँ। एंड उसके बाद मैं पढ़ती हूँ, प्रेम लता शाह ने कहा है कि बार बार तुम गुची को मत बोला करो, बहुत इरिटेटिंग लगता है तुम्हारे बोलने से। सो देखो गुची को नाम से अगर मैं बुलाऊंगी ना, देखो नाम से बुलाती तो वो समझने लगा है, बहुत कुछ सुनने लगा है, तो अगर मैं बोलूँगी ए कुत्ता तो फिर नहीं चलेगा ना। सो इसीलिए मैं उसको गुची गुची करके बुलाती हूँ, क्योंकि उसका नाम ही गुची है। सो चलो साक्षी राजपूत ने बोला यार थोड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग डाला करो, बहुत बोर होता है, जैसे पहले डालती होटल का टूर वैसे कुछ बहुत, बट कीप इट अप, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच साक्षी कि आपने इतना अच्छा एडवाइस दिया मुझे। सो मैं ना कोशिश करूँगी कि व्लॉग थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, एंड बाहर जाऊँगी, अभी मैं सोची हूँ कुछ अच्छी जगह जाने का, तो बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है बाहर का व्लॉगिंग आने वाला है। सो सेजल गौतम ने बोला ये सब्जी बना ऐसे सिखाती है जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि सब्जी कैसे बनता है। तो देखो पता तो आप लोग सबको है, सब कुछ है, ठीक है, बट मेरी मम्मी कैसे बनाती मैंने आपसे वो शेयर किया, तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती, तो आप लोग भी बना लेना। बाकी कोई नहीं, अगर आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। कितनी ओवर एक्टिंग करती रीचा क्विन ने बोला है, तो अब मैं क्या करूँ यार, ओवर एक्टिंग नहीं करूँ क्या? ठीक है, ओवर एक्टिंग नहीं करूँगी, ठीक है, सॉरी। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, तो ऐसे मैं कमेंट रीड किया करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में भी, तो बाय बाय।